हेलो एवरीवन, वी विल टॉक अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन इन दिस लेक्चर. और व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन? जैसे किसी भी एक लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे ही किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आप ऐसा कह सकते हैं कि द रेगुलर एक्सप्रेशन इज द अल्जेब्राइक फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी लैंग्वेज. ओके, सो दिस इज अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड दैट ए प्लस बी होल स्टार, सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग एनी लैंग्वेज. सो वॉट आर दी कंपोनेंट्स? लेट्स से अगर हमारे पास फाई है, तो फाई का मतलब है एक एम्प्टी सेट. तो फाई हमारे लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया. इफ आई हैव द एप्सिलॉन, सो दिस रिप्रेजेंट्स द सेट एप्स दैट कंटेन्स ओनली एप्सिलॉन. से मेरा केवल एप्सिलॉन अगर हमने लिखा, सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. इफ आई से आई हैव ए, सो दिस मीन्स कि हमारे पास सेट में केवल ए है. अगर हमने लिखा ए स्टार, तो इसका मतलब है ए क्लीन्स क्लोजर. और इस क्लोजर का ये मीनिंग होता है कि हम एक भी ए सेलेक्ट ना करें तो एप्सिलॉन, ए के सेलेक्ट कर लें तो ये ए हो गया, दो कर लें तो दो ए हो गए, तीसरी बार इसका रिकर्सिव प्रोसेस कर दें तो ए ए हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इट कैन टेक एनी नंबर. सो ए स्टार क्या है? दिस इज द क्लीन्स क्लोजर. एंड व्हाट डज द क्लीन क्लोजर टेल यू? कि दिस इज एक्चुअली द लूप. दिस इज द लूप दैट कैन रन आइदर 0 टाइम्स और मोर टाइम्स. फाइन. इसी तरह से अगर आप ए प्लस कहें, तो इसका मीनिंग ये है कि कम से कम ए के होना चाहिए. मतलब है कि अगर आप लूप चला रहे हैं, सो वन और मोर टाइम आप लूप चलाइए. सो ए विल बी द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट दैट विल बी एडेड, देन ए ए, देन ए ए ए आपके सेट में ये एलिमेंट्स होंगे. ए प्लस के बारे में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज ए फॉलोड बाई ए स्टार. सो ए के जरूर होगा, उसके अलावा बाकी सारी चीजें होंगी जो ए स्टार में होती हैं. ऑब्वियसली इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा इस सेट में, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक ए जरूर होगा. सो दिस इज एक्चुअली ए स्टार. सिमिलरली अगर आप ये कहें कि ए प्लस बी का स्टार, इसका मीनिंग है कि ए प्लस बी का आप क्लोजर ले रहे हैं. सो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का मीनिंग है कि आप यूनियन कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि ए या बी में से केवल एक सेलेक्ट होना चाहिए. इसका मतलब है कि दिस देर इज और बिटवीन ए एंड बी, सो आइदर ए और बी. फाइन. सो ए प्लस बी होल स्टार मीन्स यू सेलेक्ट, यू आइदर सेलेक्ट ए और बी. और अगर स्टार है, क्लोजर है, इसका मतलब है कि आप इसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन विल बी द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और एप्सिलॉन विल बी द पार्ट ऑफ द सेट. देन इफ यू सेलेक्ट आइदर ए और बी, सो द स्ट्रिंग बिकम्स ए. इफ यू सेलेक्ट आइदर ए और बी, सो इट बिकम्स बी. एंड देन इफ यू सेलेक्ट ए एंड देन इन द नेक्स्ट राउंड यू सेलेक्ट बी, सो दिस बिकम्स ए बी. सिमिलरली इफ यू सेलेक्ट ए इन द नेक्स्ट राउंड यू सेलेक्ट ए, सो इट बिकम्स ए ए. सिमिलरली इन द फर्स्ट राउंड यू सेलेक्ट ए, सॉरी बी, एंड द नेक्स्ट राउंड यू सेलेक्ट ए, सो इट बिकम्स बी ए. इन द फर्स्ट राउंड यू सेलेक्ट बी एंड द सेकेंड राउंड यू सेलेक्ट बी, सो द स्ट्रिंग बिकम्स बी बी. लेट मी राइट इट अगेन. सो इसका मीनिंग क्या है कि ये दिस विल कंटेन all the strings which can be formed using A and B. So this plus is actually the union. Similarly, if I say AB, so there is a concatenation of A with B. So this is representing concatenation. If I say that A is the regular expression and B is the regular expression, then A plus B will also be the regular expression. It means the union of these two. Similarly, if I say if A is the regular expression and B is the regular expression, then AB will also be the regular expression. This is representing the concatenation. Similarly, if A is the regular expression, then A star means the Kleene's closure of A will also be the regular expression. So if I once again say that, what is the regular expression? So this is the algebraic form of representation of any language.
तो बहुत ही सिंपल फॉर्म का ये एक रिप्रेजेंटेशन है, और आइए हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो लेट्स से वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए बी। यहां पे हमें मानेंगे कि जो हमने अल्फाबेट सेट मान रखा है दैट अल्फाबेट सेट इज ए बी, और इसी के ऊपर हम सारे कंस्ट्रक्शंस करेंगे। सो लेट्स से जो पहली लैंग्वेज है आपको ये गिवन है कि सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू। सो लैंग्वेज सेट में क्या क्या होगा आपके, दिस विल बी ए, दे विल बी ए बी, दे विल बी ए एंड दे विल बी बी बी। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी आइदर यू सेलेक्ट ए ए और यू सेलेक्ट ए बी और यू सेलेक्ट बी ए और यू सेलेक्ट बी बी। फाइन, सो इसमें से अगर हम ए कॉमन लें तो दिस विल बी ए प्लस बी, एंड देन अगर इस साइड से अगर आप बी कॉमन लें सो दिस विल बी ए प्लस बी। नाउ इफ यू टेक ए प्लस बी एज कॉमन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल रिमेन विद ए प्लस बी। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ टू ओवर द अल्फाबेट सेट ए बी। फाइन, सो ओवर द अल्फाबेट सेट ए बी दिस दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू। सो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट ये वाला पार्ट है इसमें से ए या बी में से एक सेलेक्ट कर लीजिए, और ये वाला जो पार्ट है उसमें से भी ये एक एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, या तो ए या तो बी। सो अगर आप यहाँ से एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो टोटल सेलेक्शन होगा वो दो एलिमेंट्स का होगा, तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो दो लेंथ की हमारी स्ट्रिंग बनेगी। सो दिस इज वेरी सिंपल। दूसरा एक लैंग्वेज लेते हैं और मान लेते हैं कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज वेर इन अल्फाबेट सेट इज ए बी एंड ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू। सो इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग इट फॉर एटलीस्ट टू, इसका मीनिंग ये है कि कम से कम दो एज होने चाहिए, दो एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि तीन ए बी हो सकते, तीन ए बी भी हो सकते हैं, चार ए बी भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट एक ए बी सेलेक्ट करने के लिए, दूसरा दूसरा ए या बी सेलेक्ट करने के लिए, इसके बाद चाहे आप सेलेक्ट करिए या ना सेलेक्ट करिए दैट विल वर्क। सो क्लोजर लगाने से क्या हुआ कि ए बी में से एक ए बी ले सकते हैं आप, दो ए बी भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं, कितने भी नंबर्स ले सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करें, तो अगर आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो पहले वाले पार्ट से एक एलिमेंट आएगा, दूसरे वाले पार्ट से दूसरा एलिमेंट आएगा, यहां से जीरो और मोर एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एटलीस्ट टू। सिमिलरली अगर आप ऐसा सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं जिसमें कि कम ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट्स हों या ज्यादा से ज्यादा लेंथ उसकी टू हो, सो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट टू, सो वो कैसे बन सकता है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले हम इसका लैंग्वेज का सेट बनाते हैं, सो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो लेट्स फॉर्म दी लैंग्वेज सेट। सो लैंग्वेज सेट में एटमोस्ट टू का मीनिंग ये है कि एप्सिलॉन भी हो सकता है इसका पार्ट, एक ए भी हो सकता है सिंगल लेंथ का, बी भी हो सकता है, या ए ए हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या बी ए हो सकता है, और या बी बी हो सकता है। तो इसमें से इस पार्ट के लिए हम ऑलरेडी बना चुके हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आइए हम उसको लिख लेते हैं। सो इस पार्ट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है कि इसमें इंक्लूजन करना है कि किस तरह से एप्सिलॉन ए या बी आ जाए। अगर हमें एप्सिलॉन को सेलेक्ट करना है तो एप्सिलॉन को हमें इसका पार्ट बनाना पड़ेगा, तो पहले पार्ट से हम एप्सिलॉन या ए या बी सेलेक्ट कर लें, और दूसरे वाले पार्ट से भी हम एप्सिलॉन
या ए या बी सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह से अगर पहले पार्ट से एप्सिलॉन मिला हमें और दूसरे पार्ट से भी एप्सिलॉन मिला, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के कॉन्कैटिनेशन को हम कहेंगे एप्सिलॉन, इसलिए ये केवल एप्सिलॉन एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए कि जो पहला वाला पार्ट है हमने उसमें से ए सेलेक्ट कर लिया और दूसरे वाले पार्ट से हमने एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लिया, सो ए और एप्सिलॉन का जो कॉन्कैटिनेशन है उसको हम कहेंगे ए, तो ए सेलेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम पहले पार्ट से एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लें और दूसरे पार्ट से बी सेलेक्ट कर लें, सो एप्सिलॉन और बी का जो कॉन्कैटिनेशन होगा दैट विल बी बी, सो बी भी जनरेट हो गया। एंड देन आप रूटीन प्रोसेस से पहले वाले पार्ट से कोई भी ए या बी में से सेलेक्ट कर लें या दूसरे वाले पार्ट में से ए और बी सेलेक्ट कर लें, तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो टू लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी। इसके अलावा आप तीन या उससे ज्यादा लेंथ, दो या उससे दो या दो लेंथ के तो एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन तीन लेंथ या उससे ज्यादा के लेंथ के जो स्ट्रिंग्स होंगे वो उससे कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज दैट हैज द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट टू। सो दिस इज वेरी सिंपल टू डिजाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।